हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 4th ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। बेसिकली इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कवर द फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड द नेम ऑफ मेथड इज द इनकम मेथड। वी हैव कैलकुलेटेड इन दैट वीडियो नेशनल इनकम और NNPHFC बाय इनकम मेथड। In this video, we will discuss our second formula or second method of calculating national income. So let us see the expenditure method. तो इसके अंदर आप सबसे पहले हम किसका खर्चा लेते हैं? गवर्नमेंट का। तो यहां पे हम लिखेंगे गवर्नमेंट गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, पहली चीज हमारी यह है, इसमें हम गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लेंगे। दूसरी चीज प्राइवेट को दूसरे नाम से भी लिख सकता है वो, हाउसहोल्ड, तो किसी से भी हो याद रखना, प्राइवेट या हाउसहोल्ड फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तीनों चीज होगी, गवर्नमेंट का सारा खर्चा, प्राइवेट सारा खर्चा और जो देश में कैपिटल फॉर्मेशन हुआ वो तीनों, प्लस नेट एक्सपोर्ट। और याद रखना नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो जो गवर्नमेंट ने खर्चा किया है स्कॉलरशिप देने में या कुछ भी जो खर्चा सरकार का, वो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन। जो हाउस होल्ड ने किया, हम लोगों ने किया देश के अंदर, प्राइवेट लोगों ने किया, वो सारा खर्चा दोनों को जोड़ देंगे, प्लस तीसरी चीज जोड़ेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो देश में नई संपत्ति जनरेट करने में पैसा खर्च हुआ, प्लस नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब आप इन चारों को जोड़ेंगे क्वेश्चन में से तो आपका आएगा GDP एट MP, और इससे बनाना है आपको जो भी वो क्वेश्चन के अंदर बनाने को कहे। मान लो उसने क्वेश्चन के अंदर बनाने को कहा NNP at FC और आपने इसको कैलकुलेट करके क्या निकाला, GDP at MP। तो GDP at MP का NNP at FC कैसे बनाओगे, ग्रोस का नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक का नेशनल बनाना है प्लस NFIA और MP का FC बनाना है माइनस NIT। जो भी किसी भी जो भी आपको वो क्वेश्चन में देगा कि ये बनाइए, वो आप उससे बना सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में कई बार क्या होगा, आपको ये नहीं बना हुआ दे के रखेगा, तो ये आपको बनाना पड़ेगा। तो ये हम कैसे बनाएंगे, तो पहले देखिए वो आपको क्वेश्चन में क्या दे के रखेगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, वो आपको क्वेश्चन में ये दे के रखेगा। ठीक है, जनरली तो अगर ये बनाना हो ना, मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं यहां पे GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और मान लो उसने क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसमें क्या हमारा ये फिक्स शब्द है, यहां पे नहीं है, तो हम इसको कैसे हटाएंगे फिक्स शब्द को, इसमें सिर्फ आपको एक चीज जोड़नी है, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, जैसे ही आप इसमें चेंज इन स्टॉक जोड़ दोगे, ये फिक्स शब्द, ये जो यहां पे फिक्स शब्द है, ये हट जाएगा और क्या बन जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और चेंज इन स्टॉक हम कैसे निकाल लोगे, अगर आपको वो भी ना दे रखा हो तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, और इस कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, फिक्स भी दे के रखता है और चेंज इन स्टॉक की जगह वो आपको इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी दे सकता है, या नेट एडिशन टू स्टॉक, ये अनदर नेम है,
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर तीसरा क्या नाम हो सकता है, नेट एडिशन टू स्टॉक या नेट सब्सट्रैक्शन टू स्टॉक, अगर सब्सट्रैक्शन है तो माइनस कर देना। तो जब भी आप इसमें चेंज इन स्टॉक जोड़ दोगे तो ये फिक्स शब्द हटकर क्या बन जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब मान लो अगर उसने आपको यहां पे क्वेश्चन में ये दे रखा हो, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, अब आपने फिक्स शब्द तो चलिए चेंज इन स्टॉक जोड़ के हटा दिया, पर हमें चीज किस पे चाहिए थी, ग्रोस पे, और ये क्या दे रखा है, नेट, तो इसका हम ग्रोस भी बनाएंगे, एक चीज और ऐड कर देंगे उस टाइम, इसमें हम डेप्रिसिएशन या फिर कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, समझ आया आपको। अगर वो यहां पे ग्रोस ही दे के रखता है, मान लो आपको दे रखा है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, तो सिर्फ फिक्स शब्द हटाना चेंज इन स्टॉक जोड़ के, पर अगर उसने यहां पे नेट भी दे रखा है तो ये नेट का भी आपको ग्रोस बनाना होगा, क्योंकि हमने चीज क्या किस पे ली है, ग्रोस पे, तो आप नेट का ग्रोस कैसे बनाओगे, डेप्रिसिएशन ऐड करके। ठीक है स्टूडेंट, तो लेट अस डिस्कस अगेन, फर्स्टली यू विल टेक गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, देयर आफ्टर यू विल ऐड हाउसहोल्ड प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इनटू द गवर्नमेंट फाइनल, द थर्ड थिंग यू विल ऐड इनटू द अबाउट टू थिंग दैट विल बी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ओके, एंड द फोर्थ थिंग यू विल ऐड इन द अबाउट थ्री थिंग्स नेट एक्सपोर्ट, एंड हाउ यू विल कैलकुलेट नेट एक्सपोर्ट इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एंड इफ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट इज ऑल्सो नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन दैट टाइम योर नेट एक्सपोर्ट विल बी जीरो। When you sum up all the four things, you will get gross domestic product at market price. Now look at here, if gross domestic capital formation is not given there in the question, then it will give you gross domestic fixed capital formation either or net domestic fixed capital formation. It will give you one thing from the two things. So if it has given you gross domestic fixed capital formation, then you will add change in stock in it, and when you will add change in stock in it, the fixed shabd jo fixed word yahan pe hai wo ye ban jayega, aur agar net domestic fixed capital formation de rakha hai, then you will add change in stock also and as well as depreciation too. For making net into gross, you will add depreciation in the following, that time डेप्रिसिएशन आपने इसमें ऐड करके इसको ग्रोस बना दिया, और चेंज इन स्टॉक ऐड करके इस फिक्स शब्द को हटा दिया, तो हमारा ये बन जाएगा, और जब आप इन चारों को जोड़ दोगे तो आपका क्या आएगा, जीडीपी एट एमपी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं वन बाय वन उनको, ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ संदीप गर्ग मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक, एंड द क्वेश्चन नंबर इज 69। सो लेट अस स्टार्ट। अब देखो यहाँ इसने क्वेश्चन में कहा नहीं कि किससे कैलकुलेट करना है, तो आप यहाँ पे डाटा देखो किस चीज का दे रखा है हमें, भाई गवर्नमेंट प्राइवेट नेट डोमेस्टिक नेट एक्सपोर्ट, ये सब तो एक्सपेंडिचर का है, तो अगर ना बताए क्वेश्चन में कि कैसे निकालना है, तो आप यहां से देखोगे कि डाटा हमें किस चीज का दे रखा है, तो एक्सपेंडिचर मेथड का है तो हम एक्सपेंडिचर मेथड लगाएंगे। नेशनल इनकम निकालना है, तो यानी क्या निकालना है, एनएनपी एट एफ सी, ठीक है, और एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा आता क्या है, जीडीपी एट एमपी, ग्रोस का नेट माइनस डेप, डोमेस्टिक का नेशनल प्लस एनएफआईए, पी सेम है, एमपी का एफसी माइनस एनआईटी। अब ये कैसे आता है, हमने अभी देखा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हम कैसे निकालते हैं, इससे सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 500, जीडीपी एट एमपी निकाल रहे हैं, ठीक है, जीडीपी एट एमपी, तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास, 500 सीआर करोड़, प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 100। अब देखिए हमने ये तो ले लिया नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, पर हमें फिक्स शब्द भी तो हटाना है, क्योंकि हम तो ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लेते हैं ना, तो फिक्स शब्द कैसे हटाओगे, मैंने अभी आपको बताया था वीडियो में, चेंज इन स्टॉक प्लस चेंज इन स्टॉक, चलिए फिक्स शब्द तो हटा दिया आपने चेंज इन स्टॉक लेके,
पर हम तो चीज को किस पे लेते हैं, ग्रोस पे, और इसने क्या दे रखा है बना हुआ, नेट। तो डेप्रिसिएशन भी ले लो, कितना है 60 रुपए। समझ रहे हैं, फिक्स शब्द को हटाया मैंने चेंज इन स्टॉक लेकर, और नेट को ग्रोस कैसे बनाया, डेप्रिसिएशन लेकर। नेट का मतलब पुराना और डेप ऐड करते ही नया हो जाएगा। ये भी हो गया हमारा दूसरा। अब गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ है, ये ना, कितना है 200 रुपए प्लस नेट एक्सपोर्ट था चौथी चीज, कितना है 40 रुपए। तो कितना आया ये, 500, 600, 620, 680, 880, 920। जीडीपी एट एमपी हमारा कितना आया, 920। ठीक है, तो यहां पे अब मैं इसको यहां पे देख रहा हूं, वैल्यूज को देख लेना, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, 920 आ गया ये जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है 60 रुपए। ठीक है, प्लस एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कितना है 30 रुपीज। हो गया एनएफआई ऐड, माइनस एनआईटी कितना है 50, माइनस का 50। ठीक है, तो इसमें ये ऐड करते हैं, पहले कितना हो गया 950 पॉजिटिव का जोड़ा पहले मैंने, इसमें 950 में से कितना लेस करेंगे हम, माइनस का, ये दोनों नेगेटिव क्या है 110। तो हमारा एनएनपी एट एफसी कितना आएगा 840 करोड़। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। जीडीपी एट एमपी हमने कैसे निकाला, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिया प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स शब्द भी हटाना है, क्यों, क्योंकि हम ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लेते हैं फॉर्मूले में। ये फिक्स शब्द हटाने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला समझाते वक्त बताया था क्या लेंगे आप, चेंज इन स्टॉक, फिक्स शब्द हट जाएगा। चलिए, पर अब हमें तो ग्रोस पे लेनी है चीज, यहां दे रखी है नेट पे, तो क्या ऐड करोगे, डेप्रिसिएशन, ये भी हट गया, बन गया ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन गया हमारा ये दोनों चीज को ऐड करके। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिया हमने 200 रुपए का, ठीक है, और जो हमारी फोर्थ चीज थी नेट एक्सपोर्ट वो ली। जब आप इन चारों का टोटल करेंगे, जो ये चारों चीजें हैं लेनी है हमने, ये तो दो एक्स्ट्रा हमने इनकी वजह से ली है, तो हमारा 920 आया। 920 हमारा जीडीपी एट एमपी है, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी, 840 विल बी योर एनएनपी एट एफसी और नेशनल इनकम। उम्मीद है स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 65 ऑफ संदीप गर्ग मैक्रो इकोनॉमिक्स सेम बुक, एंड इन दिस क्वेश्चन इट हैव सेड टू कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। नाउ आई हैव टोल्ड टू यू दैट फ्रॉम इनकम मेथड व्हाट वी गेट बाय एडिंग द फोर थिंग्स, व्हाट वी गेट, जीडीपी एट एमपी, एंड he have said to us or she have said to us that we have to calculate NDP at FC. आता क्या है चारों को जोड़कर, GDP at MP. तो gross का net minus DAP, domestic domestic P, product product MP का FC minus NIT. This will be our formula. ग्रोस का नेट बनाया माइनस डेप, डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, एमपी का एफसी बनाया माइनस एनआईटी। अब जीडीपी एट एमपी निकाल ले पहले, तो सबसे पहले हम लेते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कितना दे रखा है 800। अभी हम जीडीपी एट एमपी निकाल रहे हैं पहले, तो ये हमें कितना दे रखा है 800 प्राइवेट हो गया, प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये शब्द याद रखना नेट है, पर यहाँ फिक्स तो नहीं है ना, तो चेंज इन स्टॉक नहीं लूंगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में यहाँ फिक्स था इसलिए चेंज इन स्टॉक लिया था। तो पहले इसको ले लेते हैं 100, और इसका नेट का ग्रोस बनाना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे के रखा हुआ है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लेना है हमने फॉर्मूले के हिसाब से, पर क्वेश्चन में क्या दिया उसने, नेट डोमेस्टिक, तो नेट का ग्रोस बनाओ डेप ऐड करके। डेप्रिसिएशन है 50 रुपए प्लस 50 रुपए, चलिए ये भी हो गया, इसको आपने ग्रोस बना दिया डेप ऐड करके। अब वो कहाँ है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है 200 रुपए, और जो हमारी चौथी चीज थी वो क्या थी, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या है, अच्छा अब देखो यहाँ क्वेश्चन में उसने हमें को उलझाने के लिए क्या दे रखा है, एक्सपोर्ट भी दे रखा है, नेट इंपोर्ट भी।
हम इसको बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, नेट का मतलब टोटल बचा हुआ। पर हम तो एक्सपोर्ट ऐड करते हैं कुछ उसमें फॉर्मूले के हिसाब से, इसने यहाँ पे क्या दे रखा है इंपोर्ट, तो हम ये प्लस का साइन हटा के क्या लगाएंगे माइनस का साइन, क्योंकि हम फॉर्मूले में नेट एक्सपोर्ट ऐड करते हैं, पर यहाँ पे क्या है नेट इंपोर्ट, तो हम उसे माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस का साइन लग गया और ये दे रखा किस में है माइनस में ही, तो ऐसे लिखेंगे हम। समझो, जीडीपी एट एमपी निकालते वक्त हम नेट एक्सपोर्ट को ऐड करते हैं, पर यहाँ पे क्या दे रखा है इसने हमें नेट इंपोर्ट, तो नेट इंपोर्ट तो हम माइनस करेंगे ना, वो बात अलग है कि वो माइनस में है, माइनस माइनस प्लस करेंगे वो ठीक है चीज, पर अगर माइनस में ना होता तो हम क्या इसको ऐड कर देते, नहीं हम इसको उस टाइम क्या करते लेस। ठीक है, नेट इंपोर्ट लेस होगा, नेट एक्सपोर्ट ऐड होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमें माइनस करना था नेट इंपोर्ट को, अब वो माइनस में ही उसने दे रखा है, तो माइनस माइनस इसको प्लस करेंगे। तो जीडीपी एट एमपी निकाल लें हम चारों चीजें, क्योंकि हमने ले लिया है 800 और 100, 900, 950, 1150 और 1150 में माइनस माइनस ये भी प्लस ही हो जाएगा 1170। जीडीपी एट एमपी विल बी 1170, 800, 900, 1000, 900, 1150, 1170। ठीक है, ये आ गया हमारा 1170, लिख दूं यहीं पे ही कर रहा हूं, आ गया माइनस डेप, डेप्रिसिएशन कितना है 50। ठीक है, माइनस एनआईटी, एनआईटी कहाँ है, ये रहा 120। तो कितने लेस करने हैं, 120 और 50 170, तो 1170 में से 170 जाएंगे, एनडीपी एट एफसी विल बी 1000 आंसर, सीआर मतलब करोड़ में होगा ये डाटा। अब क्वेश्चन को समझना, ये चीज उसने ये देखने के लिए दी थी क्वेश्चन में कि क्या बच्चे को पता है कि अगर फिक्स शब्द है तभी ये ऐड होता है और फिक्स ना हो तो ये नहीं होगा। पहली चीज ये उसने उलझाने को दिया, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड, इसको हम क्यों लें जब हमारा दोनों चीज किस पे है डोमेस्टिक पे है, तो नेट फैक्टर इनकम को लेने का ही नहीं मतलब बनता। ये भी उसने हमें ऐसे ही दिया। ठीक है, उसके बाद नेट इंपोर्ट हो चुका ये से, और एक्सपोर्ट ऐसे ही दिया था। तो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व्ड। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा जो भी बुक आपके पास है, और अगर कहीं पे भी फॉर्मूले में या कोई क्वेश्चन में ऐसी चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसको आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये इसी तरह से इजीली फॉर्मूले हो जाएंगे, आप फॉर्मूलों को बनाना सीखेगा, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और चैनल को भी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।